मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल की रेसिपी। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं तो अच्छी हुई। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल की रेसिपी, बहुत सिंपल बहुत मजेदार। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बनाने चलते हैं स्प्रिंग रोल। सबसे पहले हम लेंगे प्रॉन। प्रॉन को मैंने पहले बॉइल कर लिया है, ये बॉइल्ड है मतलब पका हुआ है, और उसके बाद हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेने हैं। और फिर हम एक पाउंड में ट्रांसफर कर लेंगे। और ये लिया है मैंने राइस सबई। राइस सबई बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। राइस सबई को सबसे पहले हमें बॉईल करना होता है, तो हम पहले पानी को खौला लेंगे, गर्म कर लेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। राइस सबई को सबसे पहले हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है, बॉईल करके पका लेना है। खौला हुआ पूरा पानी लेना है, पानी को पहले बॉईल कर लेना है, उसमें डाल लेना है तेल। तेल का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि सबई जो है वो आपस में चिपके नहीं, खिला खिला रहे, इसलिए हम थोड़ा सा तेल यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम राइस सबई को डालेंगे, बॉईल कर लेंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट लगेगा बस बॉईल होने में। और ये देखिए बॉईल होकर तैयार हो गया, तो मैं इसको निकाल लूँगी, मतलब पानी से अलग कर लेना है बस। तो हम इसी बाउल में सारा राइस सबई को ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद साथ में ऐड करेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम को मैं आपको बता दूं एकदम पतला कट करना है, ये देखिए बहुत ही पतला। और फिर गाजर, गाजर को भी ग्रेटर में घिस लेना है ताकि वो पतले से घिस जाए, ये देखिए कितना कितना ही पतला है। और सबसे पहले हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे चम्मच से। और अब हम इसके टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेडी करने जा रहे हैं, जो कि है ड्रेसिंग। तो चलिए रेडी करते हैं, लेट्स गो। ड्रेसिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले ऐड करेंगे हम शुगर, चीनी। चीनी लेंगे हम हाफ चम्मच। उसके बाद ऐड करेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये देखिए मैंने लिया है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब हम ऐड करेंगे खूब सारा लहसुन, थोड़ा सा धनिया पत्ती, थोड़ा सा पुदीना पत्ती और हरी मिर्च। अब हम ऐड करेंगे वेनेगर, वेनेगर भी लिया है 2 चम्मच। हाफ चम्मच ऐड कर रही हूँ इटालियन सीजनिंग। इटालियन सीजनिंग की जगह पे आप ऑरिगेनो और मिक्स्ड हर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्रीन चिली खूब सारा डाला हुआ है, तो चिली फ्लेक्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ा कम स्पाइसी रखना है तो थोड़ा सा कम ऐड करेंगे। एकदम थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक। और अब हम ऐड करेंगे 1 नींबू का जूस। और अब हम लास्ट में बहुत अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं जो हमने ये ड्रेसिंग रेडी किया है, या तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, रोल रेडी कर लेंगे स्प्रिंग रोल, उसके बाद हम ड्रेसिंग के साथ डिप करके खाएंगे, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं जैसा मैं अभी करने जा रही हूँ, ये सारा ड्रेसिंग मैं डालूंगी इसमें, इस तरह से सबको मिला लूंगी। बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि जो हमने ड्रेसिंग रेडी किया ना वो अंदर तक, मतलब पूरे में फ्लेवर आ जाए। ये मैं पंखा नहीं हौंक रही हूँ, ये है राइस पेपर। तो अब हम लेंगे राइस पेपर। राइस पेपर बहुत इजीली अवेलेबल है कोई भी सुपरमार्केट में, और नहीं तो और आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप मेरे लिंक से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए राइस पेपर लेते हैं। ये देखिए ऐसा टेक्सचर होता है राइस पेपर का। राइस पेपर को हमें डिप करना होता है गुनगुना पानी में, तो ये देखिए मैंने गुनगुना पानी लिया है, पानी आपको पीने वाला पानी लेना है, और इसको डिप करेंगे अराउंड 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, और ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो गया है। फिर हम आराम से इसको प्लेस करेंगे ऐसे, क्योंकि ये पूरा सॉफ्ट हो जाता है,
और उसके बाद जो हमारा ये है, और आपको तो पता है कोई भी फिलिंग वाली चीज़ हो मैं खूब सारा डालती हूँ, कंजूसी क्यों करना है। और ये तो बनके रेडी है। एक तो ऐसे भी बना सकते हैं आप, ये पूरा ही रेडी है खाने के लिए। लेकिन हाँ, लेकिन मैं आपको दो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इसकी। एक ये रेडी है और दूसरा हम एयर फ्राई में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो चलिए एयर फ्राई में डालते हैं। और 5 मिनट के बाद हम वापस निकालेंगे और उस पे लगाएंगे बटर। सारे पे बटर लगाने के बाद फिर से हम 200 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए और रख देंगे। स्प्रिंग रोल, बिल्कुल स्प्रिंग जैसा ही। स्प्रिंग, इसे बोलते हैं स्प्रिंग रोल। क्या माइल्ड फ्लेवर है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरे सोशल मीडिया पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने सारे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और मैं चली खाने।